दिहाड़ी से अपडेट आपको दें। सिंचावाला रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया, लोग डीजल ड्रमों में भरते रहे, पुलिस और सिविल डिफेंस का अमला मौके पर नहीं पहुंच सका। ये हादसा अरुणमा हुआ विहाड़ी में, जहां पर सिंचावाला रोड पर ऑयल टैंकर उलट चुका है और लोग डीजल ड्रमों में भरते रहे, जबकि पुलिस और सिविल डिफेंस का अमला मौके पर बर वक्त नहीं पहुंच पाया। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं 92 न्यूज की स्क्रीन पर। बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज अब्दुल लतीफ शाह हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल लतीफ बताएगा ऑयल टैंकर को उल्टे हुए कितना वक्त हो चुका और सिविल डिफेंस का अमला और पुलिस यहाँ पर क्यों ना पहुंच सकी। ये 2 घंटे पहले तेज रफ्तार ऑयल टैंकर सेंटा वाले रोड पर उठ गया, जैसे हजारों लीटर डीजल लोग बगैर के ड्रमों में भर रहे हैं, जो कि किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इतला के बावजूद पुलिस या सिविल डिफेंस का अमला मौके पर नहीं पहुंच सका। इस वाक्य को तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। जी अब्दुल लतीफ, ये बताएगा कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी कुछ दिनों पहले ही सानिहा अहमद पुशर किया हुआ है, आखिर लोग पीछे क्यों नहीं हट रहे। जी बिल्कुल, आसपास के लोग समझदार जो लोग हैं वो उधर से इकट्ठे हो गए हैं, वो लोगों को पीछे हटा रहे हैं कि ऐसे आप ना करें, क्योंकि ये किसी वक्त बड़े थाने का सबब बन सकता है। और लोगों को अपनी मदद आपके तहत जो लोग जो है ना वो इकट्ठे होके लोगों को पीछे हटा रहे हैं। जी अब्दुल लतीफ, ये बताएगा ये इलाका कैसा है, क्या रिहायशी आबादी भी यहाँ पर है। जी ये ज्यादातर काश्तकारी का इलाका है, जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, कपास की फसल है नजदीक, तो रिहायशी इलाका दूर है, सीधा सीधा आबादी है साथ में जो। जी अब्दुल लतीफ, ये बताएगा पुलिस एहलकार यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे, अब तक काफी देर हो चुकी है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, किसी भी नाखुशगवार वाक्य से निपटने के लिए पुलिस और सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। ये इतला हो चुकी है बैकबर्ग को, अभी ताजा इतला के मुताबिक डीसीओ और डीपीओ जो है ना वहाँ पर रवाना हो चुके हैं। और क्या कहा जा रहा है, कब तक वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जी 15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। और अब्दुल लतीफ, ये भी बताएगा जो इस टैंकर का ड्राइवर है वो किधर है। ड्राइवर जो है वो मौके से फरार हो गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल लतीफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंचावाला रोड पर ऑयल टैंकर उलट चुका है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ताहाल पुलिस और डिफेंस अमला यहां पर नहीं पहुंच सके।